हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेथड टू फाइंड द कॉन्जुगेट फंक्शन, यानी कोई फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट फंक्शन हम किस तरह से निकाल सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, गिवन एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी एंड यू इज नोन। अगर हमारे पास एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी है तो, और यू हमारे पास नोन है, तो उस कंडीशन में वी को कैसे निकालते हैं, तो उसको हम मेथड, इस मेथड को देखते हैं। वी नो दैट डी वी अपॉन डी वी बराबर क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वी बराबर आ जाएगा। यहाँ पे इसको हमने सिंपली डिफ्रेंशिएट किया है वी को, तो ये हो गया हमारे पास डी वी बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई। अब यहाँ से हमने सी आर इक्वेशन की हेल्प ली। सी आर इक्वेशन क्या होती है, वो होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे सी आर इक्वेशन की हेल्प से डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट की। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई पुट की एंड डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स पुट की। अब फ्रेंड्स, हमारे पास यू है वो नोन है, तो हमारे पास उसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं और विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं। तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई भी नोन है और डेल यू अपॉन डेल एक्स भी नोन है, तो उसको फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेट करने पे ये हमारे पास आ जाएगा वी बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। तो वी बराबर आ गए इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो ये हमारे पास वी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम शो करेंगे कि ये हमारे पास एम और एन जो है वो इंटीग्रेटेबल होंगे या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम को हमने माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई पुट किया, एन को डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स पुट किया। तो हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला तो यह आ गया डेल अपॉन डेल वाई, और इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इस तरह एन का हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया तो हमारे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, यू जो कॉन्जुगेट फंक्शन है तो उस कंडीशन में वो हार्मोनिक फंक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी हार्मोनिक फंक्शन यानी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब इसको हम इस साइड में ले गए तो ये हो गया हमारे पास माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, क्योंकि ये यहाँ से वैल्यू हमने पुट किए यहाँ से और यहाँ से, तो ये हमारे पास आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इक्वेशन, ये जो कंडीशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन है, तो यहाँ से चूंकि एम और एन एग्जैक्ट है तो यहाँ से वी को हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम कह रहे हैं चूंकि इक्वेशन थ्री सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एन एग्जैक्ट इक्वेशन सो इक्वेशन टू कैन बी इंटीग्रेटेड एंड दिस दस बी इज डिटरमाइंड। अब केस सेकंड पढ़ते हैं। अब केस सेकंड क्या है, हमारे पास v बराबर वी एक्स वाई गिवन है, तो उस कंडीशन में हमारे पास u निकालना है। वी नो दैट डी यू बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इन फोर, यानी यहाँ से हमने क्या किया, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बाय सी आर इक्वेशन से। सी आर इक्वेशन फिर से बता देते हैं। सी आर इक्वेशन जो होती है वो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होती है। तो उस वो हमने पुट की, तो यहाँ से हमारे पास डी यू बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स डी वाई आ गया। इसको हमने इक्वेशन फाइव दे दिया। ऑन इंटीग्रेटिंग वी, उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन पर हमारे पास यू बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स डी वाई। तो यहाँ से हमें, चूंकि यू हमारे पास नोन है तो डेल यू अपॉन डेल वाई हम आराम से निकाल सकते हैं, वी नोन है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली यू की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन सिक्स इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्विंग सिक्स यू कैन बी डिटरमाइंड। तो इस तरह से यू और वी की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।